इस लिखने के लिए अगर इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, कौन कौन से कंपाउंड क्या क्या लेते हैं, इसमें लाइट का सोर्स लेते हैं, दो लेंस लेते हैं F1 एंड F2, उसके बाद क्या ये स्लिट्स लेते हैं, उसके बाद एक स्क्रीन लेते हैं, उसके बाद कितना पहले सोर्स लेते हैं, सोर्स से लाइट क्या डाइवर्जिंग नेचर का रहता है, तो उसे एक लाइन में ले जाने के लिए क्या उसे पैरेलल रे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, जो क्या के L1 कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। ज्यादा डिटेल मत दीजिएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से रखते हैं कि सोर्स क्या, उस जो लाइट का जो सोर्स है वो लेंस के फोकस पर रहे, पैरेलल बनाना है तो फोकस पर रहेगा तभी तो पैरेलल बनेगा। तो उसके बाद क्या, उसके बाद सीधा यहाँ पर डिफ्रैक्ट होने के बाद आगे बढ़ता है, उसके बाद अब हम उसे एक जगह पर एक किसी एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं जो L2 है, बीच में एक बिग स्लिट्स लेते हैं जिसका ऑर्बिट क्या है डी है। क्या अगर समझ में आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमम, अब ये सेंट्रल तो हमें पता चल गया लेकिन सेंटर पर तो ब्राइटेस्ट ही होता, और हमें क्या पॉइंट करना है, किसी आर्बिट्री हाइट h या x के ऊपर हमें पॉइंट करना है। वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम चीजों को इक्वेट कर लेते हैं पाथ डिफरेंस के हिसाब से। तो अब ये देखो लाइट तो सीधा नहीं आएगा, लाइट तो चारों तरफ जा रही है, यहाँ से इधर भी जा रहा होगा। तो अब हम मानते हैं कि यहाँ से किसी पॉइंट P के ऊपर एक आर्बिट्री पॉइंट मानते हैं जो कि सेंटर से एक कितने हाइट के ऊपर है, x हाइट के ऊपर, x हाइट के ऊपर है। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ से लाइट जो है देखो प्रॉब्लम है कि यहाँ से एक वेव का फॉर्म बना दिया, देखो तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो यहाँ से यहां से जो लाइट है वो तो इस डायरेक्शन में आ गया, एक लाइट जो है यहां तक पैदल ही गया, फिर वो यहां से ऐसे हो गया, दूसरा लाइट जो है ऐसे करके गया, ये ऐसे करके हो गया। ये पॉइंट भी हो गया, पॉइंट बी को हम मान लेते हैं, मतलब तो पॉइंट बी के ऊपर इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रेक्शन अब जो कहा इंटरफेयर जो हो रहा है वो पॉइंट बी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। शुरू में सिंपली यहाँ पर सेंट्रल क्रैक बना, ठीक है, उसके बाद आगे क्या हो गया, पॉइंट बी के ऊपर सपोज दैट हमने लिया इधर ऊपर ऊपर कितने ही चीज है, क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम, डिफ्लेक्शन एक पॉइंट था having height x, having height x from central height. Central height is the side one. ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस। ये हो गया a, b, b. इस पॉइंट का नॉमिनेट हम कर दे सी, इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दें सी, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो तो पता ही है कि क्या है टी, ठीक है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं क्या पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी, एपी और बीपी के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए जाते हैं। ये सेंट्रल राइट जो है ना तो इधर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा,
एपी एंड बीपी ठीक है। तो ये देखो, ये देखो सेव है, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अब क्या होगा, ये ए हो गया, इसे एम मान लो और इस पॉइंट को एल मान लो। अब हम बोल सकते हैं एपी एनपी पर एमपी ये लोग का लेंथ सेम है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही तो है, डिफरेंस उससे वहां तक का लेंथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस क्या निकला, ये देखो ये बी है हमारा, क्या निकला पाथ डिफरेंस। और मान लो कि यहां से ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, वेरी स्मॉल थीटा, क्या वेरी स्मॉल, तो ये थीटा है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। पूछेगा कैसे, तो मैं चलो बता देता हूं फिर से, ये एंगल थीटा का ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और ये एंगल ऑलरेडी 90 है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी इज BP is from triangle ABM, from triangle ABM, path difference को इस ये से represent करते हैं delta x, path difference है ये delta x equal to BM equal to ये यहाँ से यहाँ तक height है b, और ये थीटा है, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अभी हमारा पाथ डिफरेंस अब क्या आ गया यहाँ पर डी साइन थीटा, ठीक है। पर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, पर लाइट का छोटा सा डिवर्जन हो रहा, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा, तो थीटा क्या हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल। आगे चल करके यही पर लिख देते हैं, थीटा क्या वेरी वेरी स्मॉल, जब वेरी वेरी स्मॉल रहता है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहां पर हम डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं डी इनटू थीटा, डेल्टा एक्स का होगा डी इनटू थीटा। चलिए यहां तक हम काम कीजिए, फिर हम आगे ले करके पढ़ते हैं इसको। तो क्या हमारा मेन मैक्सिमम, ठीक है। अब हम जो भी काउंट करेंगे, यहाँ एक पहले मैक्स ये ब्राइट बना है, फिर यहाँ डार्क बनेगा, फिर यहाँ ब्राइट बनेगा, फिर यहाँ डार्क बनेगा, तो ये जीरो है, इसको काउंट नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट मैक्सिमम कौन होगा, ये, इसीलिए हम इसे सेकेंडरी मैक्सिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि तो ये जो प्राइमरी होगी इसको तो काउंट ही नहीं कर रहा है, ये तो अपने आप में स्पेशल हो गया। तो बाकी रिमेनिंग जो मैक्सिमा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या सिंपल लिखो मैक्सिमा को, ये नहीं बस मैंने टर्म बता दिया, इसे कहा जाता है कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, उल्टा हो जाएगा, उसमें मिनिमा का था, यहां पर क्या हो जाएगा मैक्सिमा का, विल बी और मल्टीपल लैम्डा बाय टू, और यहां पर लिखेंगे डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू, क्या होगा यहां पर क्या करना 2f प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा 2f प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। बताऊंगा आगे क्वेश्चन में क्यों, आगे बताऊंगा, तो डी साइन थीटा 2f प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो अब देखो ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2, तो यहां पर से थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n प्लस 1
लैम्डा बाय 2d, 2n + 1 लैम्डा बाय 2d, पहला 0 डिग्री पर होगा, दूसरा यहाँ पर एंगल जो हो जाएगा थीटा n को क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू रखे फर्स्ट में मैक्सिमम के लिए 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाय d के ऊपर हो जाएगा। ठीक है तो ये हो गया कंडीशन वेयर n n बिलोंग्स टू 1 2। चलिए नोट डाउन आगे बताओ आगे